आज हम पीएन जंक्शन डायोड के आईवी कैरेक्टरिस्टिक आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड दो तरीके से वर्क करता है, फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज। आपके सामने एक पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक एपरेटस दिखाया गया है। ये कम्बिनेशंस एपरेटस है। इसमें वोल्ट मीटर, एमीटर, टॉगल स्विचेस, फॉरवर्ड वाइज के लिए डायोड, रिवर्स वाइज के लिए, और एक आउटपुट बैटरी और एक इनपुट बैटरी दी गई है। सॉरी, आउटपुट 1 वोल्ट की जो फॉरवर्ड वाइज में यूज़ करोगे आप, एक आउटपुट जो 50 वोल्टेज डीसी बैटरी है रिवर्स वाइज कंडीशन में यूज़ करोगे, क्योंकि रिवर्स वाइज कंडीशन में हमें ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक वोल्ट मीटर दिया गया है जिसकी रेंज 1 to 50 वोल्टेज है। आप 1 वोल्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, 50 वोल्टेज के लिए भी। जिस कंडीशन में आप 1 वोल्ट यूज़ करोगे उसमें आपको 10.2 वोल्ट में डिवाइड किए गए हैं। तो 10 division = 0.2 वोल्ट = 1 division = 0.02 वोल्ट, यानी कि आपकी लिस्ट काउंट इन केस ऑफ 1 वोल्ट क्या हुई, 0.02 वोल्ट। और इन 50 वोल्टेज केस में 10 divisions को 10 वोल्ट में डिवाइड किया हुआ है तो 1 वोल्ट की 1 divisions की वैल्यू आई 1 वोल्ट। इसी तरीके से मिली एम्पियर के केस में आप देख सकते हो कि 0 से 2 mA को 10 division में डिवाइड किया गया है, 0 से 2 mA को 10 division में, तो आपकी लिस्ट काउंट हुई 1 division = 0.2 वोल्ट। इस तरीके से 10 divisions को 20 μA में डिवाइड किया गया है तो 1 division की वैल्यू 2 μA आई, तो लिस्ट काउंट 2 μA। इन कंडीशन आप, अब हम सर्किट को जोड़ना सीखेंगे। ये फॉरवर्ड वाइज के लिए देगा है, ये वोल्ट मीटर के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल, मिलीमीटर की पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल। फिलहाल हम फॉरवर्ड वाइज केस को देखते हैं। फॉरवर्ड वाइज केस में केस में क्या करते हैं, पी टाइप टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को निगेटिव, लेकिन बीच में हमें एक सीरीज में मिलीमीटर जोड़ना है और पैरेलल में वोल्ट मीटर ऐड करना है। तो P को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और N को मिलीमीटर के जो सेम टर्मिनल से जोड़ते हैं, क्योंकि मिलीमीटर का सेम टर्मिनल बैटरी के सेम टर्मिनल से कनेक्ट होगा और बीच में हमें मिलीमीटर को जोड़ना था, तो इसलिए N टाइप को हमने मिलीमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा और मिलीमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और पैरेलल में वोल्टमीटर का को जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जाएगा। इस तरीके से हमारा सर्किट जुड़कर तैयार है। हम टॉगल स्विच को ऑन करते हैं और अब सर्किट चालू है। और ये आपको फॉरवर्ड केस के लिए आपको कंट्रोलर दिया गया है, वोल्टेज डिवाइडर, इसकी सहायता से हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं। स्टार्टिंग में वोल्टेज नहीं बढ़ती, और रीडिंग नोट कर सकते हो आप ऐसे ही बढ़ती और धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ती जाती है। जैसे ही 0.5 वोल्टेज की समथिंग जाता है, एकदम से करंट की वैल्यू तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। ये किसी भी पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, एकदम से करंट बढ़ जाती है। इस तरीके से आप इसकी रीडिंग ले सकते हो, 0 से 2 वोल्टेज और 0.2 वोल्ट पे ले सकते हो, करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, 0.2 μA दिखा रही है, मिली एम्पियर में ले लो, यानी कि आपको फिर 0.3 वोल्ट पे ले लो, फिर 0.4 वोल्ट पे ले लो, करंट नहीं बढ़ती, फिर 0.5 वोल्ट पे, फिर 0.6 वोल्टेज पे, फिर 0.7 वोल्टेज पे, 0.8 पे जाती है, करंट की वैल्यू एकदम तेज़ी के साथ बढ़ जाती है। ये आपके फॉरवर्ड वाइज केस को शो करता है। अब हम रिवर्स वाइज केस को डिस्कस करते हैं। अब कुछ समय के लिए मैं टॉगल स्विच को ऑफ कर देता हूँ और हम रिवर्स वाइज केस को डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों हम रिवर्स वाइज कंडीशन को जोड़ते हैं। रिवर्स वाइज में क्या करते हैं, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से और पी टाइप को बैटरी के सॉरी एन टाइप को पॉजिटिव से जाता है और पी टाइप बैटरी के नेगेटिव से जाता है, लेकिन बीच में हमें एक पैरेलल सीरीज में मिलीमीटर जोड़ना है और पैरेलल में वोल्टमीटर जोड़ना है। तो पी टर्मिनल को बैटरी के 50 वोल्टेज की बैटरी डीसी वोल्टेज बैटरी यूज़ करेंगे, पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया और एन टाइप को बैटरी मिलीमीटर के नेगेटिव से जोड़ा, क्योंकि मिलीमीटर का सेम टर्मिनल बैटरी के से जाएगा, तो बैटरी का मिलीमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से और वोल्टमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है, सॉरी पैरेलल में जुड़ता है, सॉरी गाइस, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टमीटर के पॉजिटिव से जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव से जाएगा। वोल्टमीटर के पॉजिटिव सेम टर्मिनल बैटरी के सेम टर्मिनल से जाते हैं, याद रखना हमेशा। तो अब सर्किट जुड़कर तैयार है, तो अब केस को यूज़ करते हैं। जैसे आप अब इस कंडीशन में हम 50 वोल्टेज की बैटरी यूज़ करेंगे और करंट को माइक्रो एम्पीयर में मेज़र करेंगे, ठीक है। जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाते हैं
वोल्टेज को बढ़ाते हैं, करंट की वैल्यू नहीं बढ़ती, और जैसे ही आप बढ़ाना शुरू करते हो तो आपकी जनरल वोल्टेज आ जाती है, एकदम से करंट की वैल्यू तेज़ी के साथ बढ़ जाती है। ठीक है, एकदम से जैसे ही आपने करंट की वैल्यू बढ़ाई, एकदम से करंट की वैल्यू तेज़ी के साथ बढ़ जाती है। इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि आपकी जनरल वोल्टेज आएगी। मैंने 10 मिली एम्पियर को भी यूज़ करके किया है, क्योंकि 10 मिली एम्पियर में नहीं आएगा, माइक्रो में बहुत ही कम करंट फ्लो होती है, तो बहुत ही कम क्या हुआ एकदम से सर्किट में कोई, हाँ सही है, कोई वायर हिल गया, हाँ सही है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एकदम से जनरल वोल्टेज 0.6 के आते ही आपकी करंट तेज़ी के साथ बढ़ गई, और इस तरीके से आप रिवर्स वाइज केस को भी सोल्व कर सकते हो, इसकी रीडिंग नोट कर सकते हो। अगर आपको रीडिंग नोट कर रही है तो हमारी इस फाइल में कंप्लीट रीडिंग दिखाई गई है, फॉरवर्ड वाइज में भी और रिवर्स वाइज में भी। जब इसके ग्राफ को आप ड्रॉ करते हो, फॉरवर्ड वाइज ग्राफ ऐसे प्राप्त होगा और रिवर्स वाइज ग्राफ ऐसे प्राप्त होगा, आप दोनों ग्राफ को देख सकते हो। ठीक है, और इसका सर्किट डायग्राम आपको दिखाया गया है दोस्तों, आप इनका यूज़ करके ग्राफ की प्लॉट कर सकते हो किसके वी और आई के बीच, आप यहाँ से रीडिंग ले सकते हो, ये बहुत अच्छी रीडिंग है हमारी यहाँ की। ओके गाइस, थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।